हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल और आज मैं यहाँ पे ट्रिपल लेयर स्टफ पराठे बनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ना इस तरीके से अपने पराठे को स्टफ करोगे ना, पूरे बड़े बड़े मसाले से आएंगे आपके पराठे में। अब देख रहे हैं ना इसका लुक कितना यम्मी से आया है। तो दोस्तों आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मूली को कद्दूकस कर लिया है, साथ ही उबले हुए आलू लेने हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता ले लिया है मैंने। अब इन सभी को ना एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अलग बर्तन में निकालने के बाद अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन और साथ ही डालेंगे इसमें कच्ची घानी का सरसों तेल, बस थोड़ा सा, और इन सभी को प्रॉपर तरीके से मैश कर लेने हैं। अब एक बड़ी सी आटा की लोई लेना है और इसको ना एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी बड़ी बेलना है, थोड़ी सी मोटी बेलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ना इसके ऊपर लगा देने हैं आपको देसी घी, आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ना एक कट लगा लेने हैं। और ये कट नहीं लगाने, ये बस डिवाइड करने के लिए हमने हल्की सी लाइन डाल दिया है। अब इसको यहाँ पे जो मसाले मैंने तैयार किए थे उससे स्टफ कर लेंगे और उस वाले कॉर्नर में डालने हमें शिमला मिर्च या हरी सॉरी टमाटर आप डाल सकते हैं। अब इसको भी तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देंगे दोस्तों। ये देखिए अब बारी आ जाती है ना इसको बेलने की, तो इसके दोनों साइड ना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आटे से कोट कर लेने हैं आपको, और कोट करने के बाद ना इसको चकले पे डालेंगे। और यहाँ पे इसका दूसरे साइड का मुंह है ना उसको बंद भी नहीं करना है, बिल्कुल यम्मी सा टेस्ट देता है ये पराठा, और ऊपर से हौले हाथों से इसको प्रेस करते हुए बेल लेने हैं। अब बारी आ जाती है इसको पकाने की, तवे पे मैंने हल्का सा तेल डाल दिया था और इसको अलट पलट कर दोनों साइड बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाने हैं। और हाँ, गैस का फ्लेम ना आप यहाँ पे धीमा ही रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें, क्योंकि यहाँ पे पराठे की ना तीन चार लेयर है और तीन परत में तो बिल्कुल ही मसाला ठूस ठूस के भरा पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। और जब आपको कुछ कुछ ना इस टाइप का दिखने लगे, बिल्कुल क्रंची टाइप का और खासा सा इसका टेस्ट आता है, तो इसको निकाल करके रख लेंगे और ये हमारा पराठा बन करके ना रेडी हो चुका है दोस्तों। तो आपको हमारी ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी।